डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या सीन लग रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो वैसे भी दिल्ली आपके स्टूडेंट आसपास के सब जगह के होंगे, ये पूरे प्रवेश में जो हालात हैं, क्या सीन लग रहा है आपको? इस टिप्पणी पर कोई असर पड़ेगा चुनाव का? निश्चित रूप से संजय जी, पहले तो आप भाजपा विरोधी चैनल पर लगातार भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। और निश्चित रूप से आपने बहुत बेबाकी से, और एक चीज और जोड़ूंगा, जो जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं या आपका चैनल कर रहा है, आपके इंट्रो में भी एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली थी जो मैं सुन रहा था, कि जाति देखिए एक सच्चाई है, लेकिन हर एक जाति की स्थिति एक जैसी नहीं है। और आपने अपने इंट्रो में एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि सामाजिक तौर पर आज भी वो कौन सी जाति है जो गांव मोहल्ले में बैठ करके, सड़क चौराहे पर बैठ करके अगर कोई बात कहती है तो उसके असर होते हैं। ये सामाजिक प्रतिष्ठा आज भी उन्हीं लोगों के ऊपर है, उन्हीं लोगों के पास है जो अब बहुत, मतलब मैं परेशान हूं कि उनके साथ इतना गैर बराबरी और गैर अन्याय क्यों कर रही है बीजेपी, ये ठीक बात नहीं है। और असल में इस पूरी जाति विमर्श पर आएंगे तो उस पर फिर कभी बात होगी कि जातियों को लेकर के दिलचस्प उत्तर प्रदेश के चुनाव इसलिए बन जाता है क्योंकि जाति को लेकर के हर तबके में एक सजगता है, और यह सजगता वो दिख रहा है कि जाट भी अगर हिंदू थे तो जाटों की अलग से दिल्ली में बैठक क्यों हो रही थी? अगर सही वो सारे बात, हिंदू भी हैं तो जातों को अलग से आप नाराज और खुश करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप पिछड़े तबके में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, गैर यादव, गैर जाटों, दलितों में, इनके इनकी गोलबंदी की बात क्यों करते हैं उत्तर प्रदेश में आकर के? आप अगर टिकट देते हैं तो जातिवार विवरण क्यों देते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले आपकी मजबूरी क्यों बन जाती है कि हमने 27 मंत्री, 12 मंत्री दलित पिछड़े बना दिए? हर एक टिकट पे जाति बताई जा रही है, और ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही। चलो, सही बात, आपकी नजर में यादववादी या पिछड़ावादी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जाटववादी या दलितवादी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो बीजेपी तो हिंदूवादी पार्टी है, वो तो जाति मानते नहीं, वो लोग तो सारे लोग जाति से ऊपर उठते हैं। अब एक मेरा सवाल है, अक्सर ये आरोप भी लगता है कि अखिलेश यादव सरकार में यादववाद हुआ, तो कितने वाइस चांसलर यादव बन गए, कितने डीएमएसपी यादव बन गए? अरे उनके लोग तो उस सिस्टम में ही नहीं, नीचे जहां उनके लोग होंगे वहां हो सकता है उनके लोग दिखते हों। दलितों में कितने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश में दलित बन गए थे, कोई डेटा है? कितने कुलपति, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने वकील, कितने जमींदार, कितने जो है व्यापारी व्यवसायी? ये जातियां क्या ही जातिवाद करेंगी जो इतनी वंचित है कि उनके ढंग से चार अधिकारी नहीं मिलते। हाँ, अब दिलचस्प उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है संजय जी कि अब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में परेशान हैं कि ठाकुरवाद हो गया, कि ब्राह्मणवाद मुर्दा। हमारे यहाँ एक सामाजिक आंदोलनों में एक अलग नारा चलता है, ब्राह्मणवाद शब्द एक अलग बात है, लेकिन अब मंत्री जी क्या जान करके पंडितवाद मुर्दाबाद कहे हैं, बीजेपी वाले उसका अच्छा सा जवाब दें। मैं बस, मेरी टिप्पणी यह है संजय जी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति को लेकर सजग राजनीति है, तो असर तो निसंदेह इसका पड़ेगा, और असर जब हर एक तबके का पड़ रहा है, और एक इतना बड़ा मंत्री जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा रुतबा रखता हो, कई किस्म की उसके बयानों का मायने हो, तो ये असर तो पड़ेगा। अब ये तय करना है कि ये जो नाराज हो करके भी ब्राह्मण समाज के लोग अपनी नाराजगी जाहिर किस रूप में करते हैं, क्या वो सही बात, वापस वहां जाते हैं क्या कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा? बीजेपी का इतना अच्छा विकल्प मौजूद होने के बाद क्या नाराज ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ जाएगा, या परशुराम का मंदिर बनाने का वादा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी किया है, तो क्या बीजेपी यूपी के ब्राह्मण सपा को वोट देने वाले हैं क्या? मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नाराजगी कितनी भी हो, वोट अंततः वहीं पड़ेगा जहां हिंदू जागेगा।